फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस के बारे में बताया और उससे पिछले 8 वीडियो लेक्चर्स में प्रेजेंट के 4 और पास्ट के 4 टेंसेस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, इनडेफिनेट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज चूंकि हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इस टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं और किस तरह से उन वाक्यों को, उन सेंटेंसेस को बनाया जाता है, ये बात इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें मेन वर्ब के साथ यानी मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा का प्रयोग होता है। जैसे सेंटेंस है राम जा रहा होगा, सीता नाच रही होगी, लोग घूम रहे होंगे, या इसी तरह का कोई भी सेंटेंस, मैं खेल रहा होगा, तुम आ रहे होगे, तुम जा रहे होगे, तुम रो रहे होगे, तुम सो रहे होंगे, तुम नहा रहे होंगे, तुम पढ़ रहे होंगे, इस तरह का कोई भी सेंटेंस इस टेंस की कैटेगरी में आता है। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से। जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूँ हर वीडियो लेक्चर में, मैंने आपको बताया सकारात्मक वाक्य वो है जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और न ही कोई प्रश्न पूछा गया होता है। किस तरह से बनाना है सेंटेंस को, देखिए इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है आपकी विल, उसके साथ बी लग करके आता है, विल बी सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लग करके आईएनजी आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आपके सामने है, राम जा रहा होगा, सब्जेक्ट है राम, उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया है जाना, उसकी फर्स्ट फॉर्म है गो, गो के साथ आईएनजी, राम विल बी गोइंग। अगर यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट होता, मान लीजिए मैं कहता राम स्कूल जा रहा होगा, तो टू स्कूल भी आगे एड हो जाता। अभिषेक आ रहा होगा, अभिषेक विल बी कमिंग, बहुत ही इजी टेंस है। वो बच्चा सो रहा होगा, दैट किड विल बी स्लीपिंग। नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य जहाँ पर नॉट का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी, ध्यान देने वाली बात यह है कि विल बी के बीच में नॉट आता है, यानी विल उसके बाद नॉट उसके बाद बी उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लग करके और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, राम नहीं जा रहा होगा, राम विल नॉट बी गोइंग, अभिषेक नहीं आ रहा होगा, अभिषेक विल नॉट बी कमिंग, वो बच्चा नहीं सो रहा होगा, दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट की। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, ऐसे वाक्य जब आएंगे तो सबसे पहले अगर उस वाक्य में कोई डब्ल्यू एच फैमिली है तो उसका यूज आप करेंगे। डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में हर वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है, जैसे क्यों, कहां, कैसे, कब, क्या, ये सब डब्ल्यू एच फैमिलीज है। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में भी डिटेल में समझाया है, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिए ताकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर के बाद हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग। अगर उस इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं का प्रयोग है तो नॉट यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा से बताता रहा हूँ टेंसेस के सभी वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, नहीं है तो नहीं करेंगे, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी लग करके और फिर ऑब्जेक्ट। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स को शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जो हर टेंस के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है। इसका कारण है कि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी भी है। सेंटेंस आपके सामने देखिए, दो सेंटेंस है, क्या राम खेल रहा होगा और दूसरा सेंटेंस है राम क्या खेल रहा होगा। इन दोनों सेंटेंस में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर मैं आपसे कहूं क्या राम खेल रहा होगा तो आप जवाब देंगे यस या फिर नो, या तो वो खेल रहा होगा या नहीं खेल रहा होगा। अगर खेल रहा होगा तो आप कहेंगे हाँ, अगर नहीं खेल रहा होगा तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन दूसरे सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं राम क्या खेल रहा होगा, तो ये तो कंफर्म है कि वो खेल रहा होगा, लेकिन क्या खेल रहा होगा तो आपको ये बताना होगा कि वो कौन सा गेम खेल रहा होगा। आप कहेंगे क्रिकेट, या आप कहेंगे फुटबॉल, या आप कहेंगे वॉलीबॉल, या आप कहेंगे बास्केटबॉल, ये जो भी गेम वो खेल रहा होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप ध्यान दें तो पहले सेंटेंस में क्या के लिए मैंने व्हाट का यूज नहीं किया और दूसरे सेंटेंस में क्या के लिए मैंने व्हाट का यूज किया। तो कॉन्सेप्ट ये है,
कि जब भी किसी क्वेश्चन का जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं, इसका ये मतलब होता है कि वहां पर WH फैमिली का यूज नहीं होगा, वहां पर आप व्हाट का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब किसी सेंटेंस में, जब किसी क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर आप हाँ और ना में नहीं दे सकते, यानी आपको पूरा बताना होता है कि क्या, जैसे मैं कहूँ राम क्या खेल खेल रहा होगा, राम क्या खेल रहा होगा, और आपको बताना पड़ेगा कि क्रिकेट, फुटबॉल या कौन सा गेम, तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या के लिए WH फैमिली का यूज किया जाता है। WH फैमिली कौन सी है मेरी? व्हाट। व्हाट मतलब क्या। तो पहले सेंटेंस में WH फैमिली नहीं है, रूल क्या कहता है, पहले WH फैमिली, वो तो यहाँ पर है नहीं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट है राम, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया है खेलना, खेलने को कहते हैं प्ले, उसके साथ में ing लग करके आया। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए प्लेइंग के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। राम क्या खेल रहा होगा, इस सेंटेंस में WH फैमिली है क्या, क्या को कहते हैं व्हाट, व्हाट विल राम बी प्लेइंग। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर टेंस में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है, मेरी आपसे यही गुजारिश है, हर टेंस के वीडियो लेक्चर को देखें, एक के बाद एक समझते जाएं, तो फिर जब आप यहाँ तक पहुंचेंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। अब अगला सेंटेंस है, वो किसके साथ खेल रहा होगा। यहाँ पर WH फैमिली है किसके साथ, जिसे आप कहते हैं विद हुम, विद हुम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट है ही, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद ing, विद हुम विल ही बी प्लेइंग। क्या वो घूम रही होगी, विल शी बी वॉकिंग, वो क्या कर रहा होगा, क्या के लिए व्हाट, व्हाट विल ही बी डूइंग, वो कुछ कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग समथिंग, वो कुछ नहीं कर रहा होगा, नेगेटिव सेंटेंस, ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एनीथिंग या समथिंग, देखिए सम का प्रयोग आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं और एनी का प्रयोग आप नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको एडजेक्टिव्स के वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाया था, इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ शुरुआत से लेकर पहले चैप्टर से englishwale.com इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक के इन वीडियो लेक्चर्स में, शुरुआत से पहले चैप्टर से एक एक करके आप समझिए, तभी आप कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से समझ पाएंगे। अगला सेंटेंस है, क्या वो बच्चा सो नहीं रहा होगा, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर WH फैमिली कोई है नहीं, नहीं का प्रयोग भी है, विल दैट किड, सब्जेक्ट है वो बच्चा, विल दैट किड, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, उसके बाद ing, विल दैट किड नॉट बी स्लीपिंग, बच्चे घर जा रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी गोइंग होम, वो 10 बजे काम कर रहा होगा, ही विल बी वर्किंग एट 10। जब आप कहते हैं एट 10, जब भी एट के साथ कोई नंबर लगता है तो वो ऑटोमेटिकली एक टाइम की बात हो रही होती है। ये बात एट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाई थी, प्रेपोजिशन एट। और अगर आपने प्रपोजिशंस के सभी वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरी आपको सलाह है कि आप उन सभी वीडियो लेक्चर्स को देखिए, ताकि सेंटेंसेस को बनाने में आपको आसानी हो। वो 10 बजे काम कर रहा होगा, ही विल बी वर्किंग एट 10, आप चाहे तो एट 10 o'clock भी कह सकते हैं। हम 7 बजे पढ़ रहे होंगे, वी विल बी स्टडीइंग एट 7, विल बी स्टडीइंग एट 7।